जय गुरु। चलिए आज वर्चुअल 322 स्तंभ रीति के सम्मेलन में आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की स्पीच सुनेंगे। श्री श्री दादा कहते गोटे वर्ष पार ही आम आउ गोटे वर्ष पदार्पण करने जाऊे यही मुहूर्त में मु प्रति प्रत्येक परम पिता रातुल चरण में प्रार्थना करुच्छे आम मानकर आगामी दिन गुड़िक जपरी शांति स्वस्ति एवं अमृत में परिपूर्ण हो आम मानक उन्नत जीवन यात्रा धरी रखे। गोटे कठिन दुसमय मध्य आम मानक यही वर्षटी चलने को अनेक जीवन हानि हो पारि था परम पिता अशेष करुणु ताइनि। यही प्रसंग में मु ठाकुर को गोटे कथा कहूँ ठाकुर कही रोगी को भल पाओ रोग को भल पाओना यथा योग्य शारीरिक व्यवधान बजाय रखी चलिबा यही संक्रमण जनित भयरु अनेक अंशारे ही आम मानक रक्षा कर आम निजक रक्षा करने मन हुए अनेक समय सेतटा आग्रही नहु जतेटा रहा दरकार आपण मैंने निजक भल पात भल जोठे प्राणर स्पंदन रही सत्ता को आपण मैंने भल पात से जेकोसी संप्रदायर लोक होना कहीं जेकोसी जातिर लोक होना कहीं जेकोसी भाषाभाषी मनीष ही होना कहीं प्रत्येक कितु प्रत्येक परम आत्मीय एक ही प्राण लीला करुच्छे प्रत्येक मध्य धरतु संप्रदाय यही संप्रदाय जड़े महापुरुष को केन्द्र कर आवर्तित हो महापुरुष जो मैंने समस्ते ही कितु ईश्वर प्रति मनीष को नहीं जाती एक ही प्रेरणा समय और प्रयोजन अनुजाई हुए तो उपदेश मध्य किसी पार्थक्य भी थपे कि एक ही ईश्वरीय प्रतिभार स्फुरण से मध्य देखा जाए समस्ते ही ईश्वर बरपुत्र आम कहू प्रफे जड़े हिंदू जड़े मुसलमान एवं ख्रीस्टियान बा बौद्ध ताधर फरक क्योंकि किसी फरक ना बुद्धदेव को जो मैंने परम गुरु बोली ग्रहण करती से मैंने बौद्ध जीशुख्रीष्ट को जो मैंने मानि चलती से मैंने ख्रीस्टियान यही तो पार्थक्य एपाई कमुड़ा कमुड़ी हणाहाणी निजक ध्वंस करते आकृति देखा जाए कहीं जय गुरु।